हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये वृंदावन से रेस का थर्ड व्लॉग है। हाँ, आई गेस दिस इज़ थर्ड व्लॉग आई मीन। और हम लोग बस में बैठकर तैनात हो गए हैं, यानी तैयार हो गए हैं। ये देखिए लादे को कितनी प्यारी स्माइल दे रही है ना। और हम सभी लोग आज जा रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि, जी हाँ, जहाँ पर बहुत विवाद चल रहा है, जिस मंदिर को लेकर आप लोगों को पता है कि वहाँ पर मस्जिद भी बना दिया गया है। बहुत ही विवादित और चर्चा में रहने वाला हमारे कृष्ण भगवान का, जहाँ पर जन्म हुआ था, जिस कारावास में वो इन्होंने हुए था उनका जन्म, वहीं पर आज हम लोग दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं। तो हम लोग बस से निकलकर फिर यहाँ पर उतर गए। बस ने यहाँ पर हम लोगों को ड्रॉप किया और यहाँ से हम लोग सब लोग पद यात्रा यानी पैदल जाएंगे। ज़्यादा नहीं है, थोड़े से दूरी पर ही है, लाइक 5 to 10 minutes वॉकिंग था। और वहाँ के कुछ वीडियो या क्लिप आपको कुछ भी नहीं देखने मिलेगी, बिकॉज़ वहाँ पे कैमरा या चमड़े की चीज़, मतलब कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है मंदिर के अंदर। मंदिर के बाहर ही वो लोग सब कुछ कलेक्ट करके आपको एक रिसीप्ट देते हैं, और वो रिसीप्ट आप जब मंदिर से दर्शन करके बाहर आएंगे तो उनको देंगे, तो आपका पर्स, बैग, मोबाइल वगैरह सब आपको वो लोग रिटर्न करेंगे। तो वहाँ पे आप कोई तस्वीर वगैरह नहीं खींच सकते, लेकिन वहाँ की तस्वीर जो मेरे आँखों में और मन में बस गई है, मैं उसका क्या बताऊँ आप लोगों को। बहुत ही सुंदर वहाँ पर राधा कृष्ण लग रहे थे। और हम लोग मंडे के दिन गए थे तो वहाँ पे जितने भी देवी देवता विराजमान थे सभी ने वाइट कलर के यानी श्वेत रंग के कपड़े पहने हुए थे, जिसमें वो बहुत मतलब भगवान इतने प्रिय लग रहे थे, मैं क्या बताऊँ। बहुत सुंदर श्रृंगार था सभी भगवान का वहाँ पे, मुझे मतलब वो मेरे मन मंदिर में बस चुके हैं। और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं निधिवन, जी हाँ। वहाँ की तो क्लिप नहीं है, मैंने आप लोगों को बता दिया। निधिवन में पहुँचने के बाद यहाँ पे जहाँ पे आप लोगों ने बहुत ही फेमस है निधिवन, आपको पता है वहाँ पे मतलब 6 बजे के बाद कोई जाता नहीं है। और वहाँ पे जितने भी वृक्ष हैं वो सब गोपियों का रूप ले लेती हैं शाम को। और अभी भी मान्यता है कि कृष्ण भगवान वहाँ पर आते हैं, रास रचाते हैं। तो और अब ये भी मान्यता है कि वहाँ पर राधा रानी को श्रृंगार मतलब अर्पित सब लोग करते हैं, मैंने भी किया था, तो वहाँ से मतलब श्रृंगार मुझे प्राप्त हुआ था। और मतलब वहाँ पे बोलते हैं कि जब रात मतलब सुबह जब पंडित आते हैं वहाँ पे, जब पट खोलते हैं, तो आज भी राधा रानी का श्रृंगार बिखरा हुआ पाया जाता है। तो मतलब बताते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो सोचिए ना, हम कितनी शक्ति है वृंदावन में, और मतलब सच में भगवान अभी भी वहीं पर साक्षात्कार हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और अब हम अपनी 84 कोस की यात्रा के लिए निकल गए हैं, जी हाँ। 84 कोस भी आप लोगों को पता ही होगा वृंदावन में होता है, यहाँ पर इसकी मतलब परिक्रमा की जाती है 84 कोस की, तो उसी परिक्रमा के लिए हम लोग निकले। हम लोग पैदल परिक्रमा नहीं कर रहे थे, हम लोग वहाँ पर मतलब ऑटो टाइप एक सुविधा उपलब्ध थी, तो उसी में कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक ऑटोज वहाँ पर चलती है ना, वही, तो उसी में जा रहे हैं। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, ये है मुख्य बिंदु, और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं यहाँ के दर्शन के लिए। और ये मेरी फैमिली वॉक करके आ रही थी, तो मैंने उन लोगों की भी क्लिप ले ली। और ये मेरी मम्मी है, मेरी बुआ है, और ये मेरी बुआ की नंदुई है, ननंद है, येलो साड़ी में, और मेरा सुग्गा, और वहाँ पे देखिए मेरे फुफा जी। तो ये सब लोग जा रहे थे, मैंने उन लोगों की क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और ये मेरी लाडो काफ़ी इन्जॉय कर रही थी इस ऑटो में, मतलब जितने टाइम तक हम लोग वेट करते थे ना, मैं उसको बिठा देती थी, तो थोड़ा धूप भी सेक लिया करती थी और उसको काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। तो इसी तरह से हम लोगों ने वहाँ की परिक्रमा ये वाली ऑटो के द्वारा वहाँ पे पूरी की। यहाँ पे जगह जगह पे यमुना तट है, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे भी जाके यमुना जी से अपने सुहाग के लिए, अपने बच्चों के लिए मनोकामनाएं आप मांग सकते हैं, इनकी पूजा कर सकते हैं, इनकी आराधना कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। वहाँ पर छोटे मोटे पंडित भी अवेलेबल रहते हैं, जैसे आपको पूजा करानी है, अगर मतलब जैसे आपको ऐसा विधिवत करानी है तो वो लोग करा देते हैं, अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं तो हर जगह अपने हिसाब से पूजा कर रही थी, बिकॉज मुझे लग रहा था कि मतलब मैं मेरे दिल के बाद डायरेक्टली अपने भगवान से करूँगी, अपने मुझे किसी और को बीच में नहीं लाना, मतलब वाया वाया नहीं बताना। और ये देख रहे हैं मेरे राधा कृष्ण कितने सुंदर लग रहे हैं ना, यहीं पे आके हमारी 84 कोस की परिक्रमा संपन्न होती है। तो छोटा ऐसा ये भी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया। एक्चुअली यहाँ पे ना कैमराज वगैरह हर जगह रहते हैं, यहाँ पे ना मतलब मोबाइल यूज़ करना अलाउड नहीं है ज़्यादातर, अधिकतर मंदिर में, क्या आप सब मंदिरों में यही है, बट जितना मुझसे पॉसिबल हो पा रहा था दोस्तों, मैं उतना आप लोगों के लिए शूट कर रही थी। और ये देख रहे हैं यहाँ पे बंदर, बाप रे, बंदरों का तो जो यहाँ पे बोलते ना राज चलता है, राज वानर सेना यहाँ पे राज करती है। और वो जो पानी था ना, वहाँ से थोड़ा सा पानी अपने ऊपर छिड़क लिया, सबने छिड़का था। तो और ये देखिए, यही है वो पत्थर जो निकले हैं,
जिसकी मतलब ये ना सब मान्यता है, जिनकी पूजा की जाती है, तो उसका भी क्लिप मैंने मतलब झट से रिकॉर्ड कर लिया, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और उसके बाद हम लोग गए थे बरसाने वाली राधे, तो ये एक राधे, दिन में नहीं तय किया था मैंने। राधे, राधे, बरसाने वाली राधे पहुँच गए हम लोग। हेलो गाइस, अभी हम लोग बरसाने के राधे में हैं, चलिए आपको दिखाते हैं बरसाना गाँव। लाडो लाडो हाय कर दो, सुना हाय कर दो, क्या खा रही हो राधे, प्रसाद खा रही हो? हाँ राधा रानी प्रसाद खा रही है, राधा रानी पैदा हो रही है राधे। हाँ चले दीदी नीचे उतरो, दीदी हेलो राघो। माता जी पैसे से नहीं मिलती है। नहीं, ऐसी